स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 4 नेम स्ट्रक्चर ऑफ एटम. प्रीवियसली वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सरे, कैथोड रे, अल्फा रे, बीटा रे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट अ टॉपिक एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय थॉमसन. तो सबसे पहले थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल जो प्रपोज मीन्स जो रिप्रेजेंट किया था उसके बारे में हमको पढ़ना है कि वो क्या उसमें क्या था क्या नहीं था वो. ओके, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय थॉमसन. साइंटिस्ट थॉमसन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज एटॉमिक मॉडल शोइंग अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एटम विच एज फॉलो. देखो सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले एटम का जो मॉडल जो था वो मॉडल किसने शो किया था, उसका अरेंजमेंट किसने शो किया था, तो एटम का मॉडल और एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे प्रपोज मीन्स कैसे रहते वो अंदर, वो सबसे पहले प्रपोज किया था किसने, थॉमसन. तो साइंटिस्ट थॉमसन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज एटॉमिक मॉडल शोइंग अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एटम्स विच फॉलो. अब थॉमसन ने जो प्रपोज किया था मॉडल वो उसके बारे में पढ़ते. एन एटम इज लाइक अ स्फेरिकल बॉल एंड द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड यूनिफॉर्मली ओवर इट. ओके, क्या बोला है कि जो एटम जो है वो एक स्फेरिकल बॉल जैसा है एंड पॉजिटिव जो चार्ज जो रहता है उसके ऊपर वो डिस्पर्स रहता है. कैसे, यूनिफॉर्मली. कैसे डिस्पर्स रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड ओवर इट. सेकंड, इन दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीयर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर अरेंज एट स्पेसिफिक प्लेस. देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है जो ये पिंक कलर का आपको जो भी पार्ट दिया है ना पिंक कलर का वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है. और हमको पता है पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या रहता है, प्रोटॉन. इन बीच एटम के बीच में एक ब्लैक डॉट दिखाया हुआ है. जो ब्लैक डॉट को आप बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो ये जो पिंक कलर का जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोलते हैं प्रोटॉन. बीच में जो है वो न्यूक्लियस, जो ब्लैक डॉट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. फिर ये जो नेगेटिव चार्ज आपका जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन. तो फिर से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, एन एटम इज लाइक अ स्फेरिकल बॉल. एटम कैसा है, स्फेरिकल बॉल जैसा है एंड पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स ओवर इट. मीन्स पॉजिटिवली चार्ज जो रहता है वो उसके ऊपर डिस्पर्स यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहता है. सेकंड, इन दिस पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था, इन दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन स्पेसिफिक प्लेसेस. मीन्स स्पेसिफिक मीन्स आपको पता है कि प्रोटॉन जो रहता है तो प्रोटॉन के साथ में अट्रैक्शन फोर्स रहता है. किसका रहता है, इलेक्ट्रॉन का. तो जहां जहां भी प्रोटॉन रहेगा वहां भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने के बाद आएगा ही आएगा. तो ये पिंक वाला पार्ट पूरा प्रोटॉन है, तो पिंक वाले पार्ट में प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन भी उससे अट्रैक्ट रहेंगे. तो पॉजिटिव जहां जहां पॉजिटिव रहेगा वहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे. और हमको पता है एटम का जो बीच में जो सेंटर रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. एटम का जो बीच में जो भी सेंटर रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. तो बीच में न्यूक्लियस आपको दिखाया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज मीन्स पिंक पार्ट से दिखाया हुआ है और नेगेटिवली चार्ज वो इलेक्ट्रॉन है. ओके, व्हाई थॉमसन एटॉमिक मॉडल वॉज नॉट एक्सेप्टेड. थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक्सेप्टेड क्यों नहीं है. या तो व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दोनों एक ही है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत आता है लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या तो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक्सेप्टेड क्यों नहीं था, तो उसके ये रीजंस दिए हुए नीचे दो. ड्यू टू दिस टू फॉलोइंग रीजंस थॉमसन एटॉमिक मॉडल वॉज नॉट एक्सेप्टेड क्यू. तो फर्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एज शोन इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल वॉज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल, बिकॉज ड्यू टू द ऑपोजिट चार्ज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन देम वुड रिजल्ट इन टू मेकिंग मिक्सिंग. देखो यहाँ पे इसने क्या दिखाया हुआ था कि प्रोटॉन भी है साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी है. पिंक कलर का प्रोटॉन है साथ में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन. अभी जस्ट बोला कि प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है.
तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दोनों के बीच में मीन्स एक दूसरे के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ में प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज मिक्स हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। मीन्स ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव। मीन्स दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अगर जैसे ही थॉम्सन ने बोला है तो थॉम्सन ने बोला है अगर वो पॉसिबल है तो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा तो हमारी पूरी थियरी गलत हो जाएगी। हमको पता है इलेक्ट्रॉन तो आउटर ऑर्बिट में रहते हैं ना। सेकंड, द अरेंजमेंट शोन बाय थॉम्सन कुड नॉट एक्सप्लेन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मीन्स हमने बताया ना कि आउटर ऑर्बिट में 5, 6, 7 है तो वो 3, 2, 1 लेके नेगेटिव बनेगा, या तो आउटर ऑर्बिट में 1, 2, 3 है तो वो दूसरे को देके वो पॉजिटिव बनेगा। वो लेकिन कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में हो तब। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो अरेंजमेंट कैसा है, द अरेंजमेंट शोन बाय थॉम्सन कुड नॉट एक्सप्लेन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, का डिफरेंट है, यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन है। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट अगर रहेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको देखने ही नहीं मिलेगी। तो ये भी एक दूसरी लिमिटेशन हो गई, या तो ये भी एक रीजन हो गया कि जिसके कारण थॉम्सन का जो मॉडल था वो एक्सेप्टेड नहीं है। फिर से दो फर्स्ट में ऐसा दिया गया है कि प्रोटॉन पता है हमको, प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो नेगेटिव रहता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि हमको पता है ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, तो अगर दोनों का अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी भी नहीं बताता, तो ऐसे ही थॉम्सन का जो मॉडल था वो एक्सेप्टेड नहीं है।